अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वॉलकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 17 वेव्स टू प्रॉब्लम 47। वो कहते हैं कुआं है वर्टिकल साइड्स का, वाटर उसके बॉटम पे है, वो आपके पास 7 हर्ट्ज की रेजोनेट करता है और इसके अलावा किसी और फ्रिक्वेंसी पे नहीं करता। जो एयर फिल्ड पोर्शन है वेल का, वो एक्ट करता है ट्यूब की तरह जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और क्लोज एंड बॉटम है, ओपन एंड आपके पास टॉप है। एयर जो है उसकी डेंसिटी 1.1 है, बल्क मॉडुलस 1.33 है। वो कहता है कितनी गहराई है कुएं की। अब ना वाला v इक्वल टू f लैम्डा आपके पास आ जाएगा, तो अब आप कह सकते हैं बराबर है v ओवर लैम्डा। यहां से हम देखते हैं कि भाई एक ही चूंकि फंडामेंटल है, इसके अलावा किसी और पे तो नहीं हो रहा, तो ये नोड और ये एंटी नोड बन जाएगा। इस दूरी को हम d कह देंगे, तो ये नोड और एंटी नोड की दूरी तो लैम्डा बाई 4 होती है, तो लैम्डा 4d के बराबर लिखा जा सकता है। बात समझ आ गई। तो जनाब वाला अब आपके पास v इक्वल टू स्पीड जो होती है बल्क मॉडुलस ओवर डेंसिटी का टूल होती है, तो हम वो वैल्यू v की प्लेस कर देंगे। अब हमें सारा कुछ पता है, बल्क मॉडुलस भी पता है, डेंसिटी भी पता है, d भी पता है, तो अब आपके पास f भी पता है, d को क्रॉस कर लेंगे। d तो हमने बताना है, गहराई तो बतानी है, तो आपके पास f की वैल्यू लगा दी, बल्क मॉडुलस की लगा दी, डेंसिटी की लगा दी, तो 12.4 मीटर आ जाएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप इसमें कोई बात पूछनी है, डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।